प्रभात बंती और रोशनी पर सामने एक पर्ची डाली है। देखते हैं कौन सी पर्ची है और पर्ची भी कौन सी निकली है आपके पास। हाँ गया होगा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, हनान पागल है, हनान पागल है, हनान पागल है, हनान पागल है, हनान 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 टाइगर हनान हनान। पर्ची क्या निकल रही है? यू दिखा ना सीधा, सही सही है, दिखाओ सीधा देखे। अबे खुली हुई है भाई, खुली हुई है, टेंशन नहीं ले। क्या इधर आओ, उधर बस फुटबॉल फुटबॉल यस। अल्लाह कोई चीटिंग नहीं करे, रोजे के साथ में इसको इधर आओ, फिर आपके पास नहीं अब मेरी बात है, मतलब तुम आप वो करो। गाइस देखो मैं कितनी ईमानदार हूं, मैं चीटिंग नहीं करता। मैंने कौन सी चीटिंग करी है गाइस आपके सामने? कोई भी नहीं करी, रेडी कोई भी चीटिंग नहीं करी। तो अभी ये लाते हैं, और हमने ये वाली पर्ची ली है, इसमें क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं पता। ओ नाइस, ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अरे सही, टाइगर 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 टाइगर। हां तो भाई ईमान ने पहचान लिए। हाँ सही है। तो एक और भी पर्ची लाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। जल्दी 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 जो करना है जल्दी जल्दी करो, बस दो मिनट रखूंगा। हाँ कौन सी है? कौन सी रम का? अभी फिलहाल टाइम असर की बात कर रहे हैं। मैं क्यों लॉग इन स्टार्ट करा मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि सुबह में उठा तो 6 बजे तकरीबन भाई भी ऐसे टाइम पे मैं उठा, तो फिर मैं फ़ौरन नमाज पढ़ी, उसके बाद ट्यूशन चले गया। ट्यूशन के बाद जो है ना मैं अब आया, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, ये ब्लॉग थोड़ी देर से आएगा या तो मे भी कि सुबह है, क्योंकि ब्लॉग कम बनेगा और ज़्यादा बनाने के लिए मैं सुबह ब्लॉग अपलोड करूँगा, तो आप लोग कभी देख ही होंगे। और देखते हैं तरावी के बाद हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि असल जो टाइम होगा तरावी के बाद भी फिलहाल मिलता आपको कुछ उसी के बाद। आप देख सकते हैं 6:09 हो रहे हैं, 6:51 में खुलेगा, तब तक हम मोबाइल यूज़ करते हैं, और जब 5 मिनट लगाएंगे तब जाएंगे हम दुकान में, दुआ करेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर आपसे पाकिस्तान जो है हार रही है। और मैं ब्लॉगिंग टिप्स बताता हूँ आज के सत्र में, ब्लॉग बनाए फिलहाल मैं ब्लॉगिंग टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो ब्लॉगिंग करने के लिए सिर्फ कैमरा नहीं उठाना होता, ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कभी भी ब्लॉगिंग जो है नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली ब्लॉगिंग करें, तो डेली ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने करा था ना कुछ जाना, मैं तकरीबन 1 साल होने ही वाला था, तो मैंने फिर छोड़ दी डेली ब्लॉगिंग पेपर की वजह से, तो पेपर तो फिलहाल नहीं हुए। और ये कह रहा था कि बोले कोई भी सामने खड़ा हुआ अगर आपने मोबाइल उठाया हुआ वीडियो बनाना चाह रहे तो आप बनाए। अब ये कर भाई बहुत से लोग होते हैं जो आप लोग को देख रहे होते हैं और फिर आप लोग नर्वस होते जो है, मतलब मैं ब्लॉगर की बता रहा हूँ, ब्लॉगर की बात भी मेरे साथ भी हुआ है कि ना फिर वीडियो बंद कर देता हूँ मैं कभी कभार, बहुत दिखा हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो बस यही कहना, अगर जो ब्लॉगिंग करने चाहता है तो सबसे पहले उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए।
और डेली ब्लॉगिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि डेली ब्लॉगिंग करना पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत मुश्किल है। अगर देखें आप पेपर वगैरह से फारिग हो चुके हैं तो आप करें, मना नहीं डेली ब्लॉगिंग लोग करें डेली ब्लॉगिंग, वरना अगर आपके स्कूल भी हैं पेपर्स भी हैं तो फिर आप पेपर की तैयारी करेंगे या ब्लॉगिंग करेंगे तो आप लोग उसमें। मैंने भी ऐसे ही हुआ कि मैंने ब्लॉगिंग फिर छोड़ दी, पेपर की तैयारी कर रहा हूँ मैं। और वैसे अगर देखें अगर पेपर नहीं भी हैं तो डेली ब्लॉगिंग के लिए आपको उसके लिए सबसे पहले आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा, यानी आप जल्दी आपको लाजमी जल्दी उठना पड़ेगा। आपको 3-4 बजे उठेगा तो दिन ही ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग ब्लॉग नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा, जल्दी उठें तकरीबन 10-11 बजे तक उठें ताकि आप ब्लॉगिंग जो है कर पाए। और इतना आसान नहीं है ब्लॉगिंग करना क्योंकि शुरू में आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे किस तरीके से करता था, फिर मुझे एडिटिंग भी शुरू में बिल्कुल भी करने नहीं आती थी। अभी थोड़ी बहुत आ गई है, इसमें करो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अच्छी करने लग जाऊँगा एडिटिंग। और उसके बाद रात में आपको जागना पड़ेगा सिर्फ एक एडिटिंग के चक्कर में, क्योंकि एडिटिंग करने में टाइम लगता है और तकरीबन आपके ऊपर मैं एक आधा घंटा या 1.5 घंटा में लगाता हूँ एडिटिंग करने में आज, जो मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ ना उसमें। और वरना तो मतलब जो पहले करता था मैं ब्लॉगिंग उसमें से 5-10 मिनट लगते थे, सिर्फ क्या करना था वीडियो मुझे जो क्लिप थी मैं ऐड करता था, लेकिन अब मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ती है, बैकग्राउंड जो आवाज़ें होती हैं उनको हटाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बस ये करना होता है। मतलब ब्लॉगिंग करना इतना भी आसान नहीं है, बस ये कहना है अगर जिसको शौक़ है ब्लॉगिंग करने का तो वो मान सकते हैं। सब कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस है आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। और सिर्फ कैमरे के सामने बोलना नहीं होता, आपको अपनी जो रूटीन है वो दिखानी भी होती है। और अगर आप जो ऐसे मतलब जो ब्लॉगर हैं, ऐसे नहीं कहने का मतलब ये जो सिर्फ कहीं अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग जो ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो सिनेमैटिक शॉट वगैरह भी लेते हैं, लेने भी चाहिए, सिनेमैटिक शॉट अच्छी लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसमें सिनेमैटिक शॉट ना दिखाएं, मतलब कुछ ऐसा भी करें जो फनी मोमेंट हो लोगों का सी। फिलहाल आज का ब्लॉग थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बनाए बोलने में निकल गया क्योंकि आज दिन जो है बहुत बिजी था मेरा, बता दो क्यों। वैसे तो मैंने शुरू में ही बता दिया था लेकिन फिर बता देता हूँ, क्योंकि सुबह फ़ौरन उठा नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर मैं ट्यूशन चले गया, ट्यूशन से आया फिर मैंने आपको शुरू में बता दिया फिलहाल। और कल के मैंने ब्लॉग में क्यों चैलेंज की वीडियो लगाई, ब्लॉग एंड क्यों कर दिया, ईमान की जो है मैंने वीडियो एडिटिंग करी उसमें तकरीबन 1.25 घंटा लग गया मेरे एडिटिंग करने में, क्योंकि मोबाइल दूसरे मोबाइल से जो है मुझे वीडियो लेनी थी उसमें आने में देर हो गई, उसके बाद एडिटिंग में देर हो गई। और फिर मैं फिर तरावी पढ़ने चले गया, तरावी के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का। सो फिलहाल आज के ब्लॉग इतना ही, कभी कभार अच्छे बनते हैं ब्लॉग और कभी कभार ऐसे ही बनते जैसे, बस आप लोग इन्जॉय करें ब्लॉग को। अगर ब्लॉग पसंद आए हो, अगर नहीं भी पसंद आए तो लाइक कर दिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करे हुए उसने सब्सक्राइब मतलब कहने का मतलब जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो वो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।